देश के दिल नागपुर शहर में एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। इस ऐतिहासिक विरासत को देखने और शहर के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देने और शहर की समृद्ध विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए नागपुर एट 2025 के सहयोग से सीताबर्डी में एक हेरिटेज वॉक का भव्य आयोजन किया गया। इसके माध्यम से युवाओं के ध्यान से स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ नागपुर का संदेश प्रसारित किया गया। इस मौके पर सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे, ठोस कचरा प्रबंधन विभाग के प्रमुख डॉ. गजेंद्र महल्ले, नागपुर एट 2025 संयोजक निमिष सुतारिया, सीईओ मल्हार देशपांडे सहित अधिकारी, एनजीओ के स्वयंसेवक मुख्य रूप से उपस्थित थे। हेरिटेज वॉक की शुरुआत सीताबर्डी स्थित श्री शिव मंदिर से की गई। हेरिटेज वॉक शिव मंदिर से संगमेश्वर मंदिर पहुंची। युवा इतिहासकार अथर्व शिवंकर ने वॉक का नेतृत्व किया। इस दौरान युवाओं को मंदिर के बारे में विशेष जानकारी दी गई और हेरिटेज वॉक का समापन मुरलीधर मंदिर में हुआ। इस दौरान शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति ऋषिकेश कर्मकार के स्वराधीश चामू, अथर्वशेष व नीरज ताटेकर ने की, जबकि रिद्धि विकमसी, कनक मसराम, ऋतुपर्णा भगत, वल्लभ कावरे और आदित्य जंजल ने संगीत दिया। आपको बता दें कि शहर के युवाओं और नागरिकों ने इस हेरिटेज वॉक में काफी उत्साह दिखाया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।